हेलो दोस्तों, तो आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि बहुत सारा बच्चा पूछ रहे थे कि सर सिविल कोर्ट में क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है। तो आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी ढंग से आप फेस करिएगा और अपने आप को यहाँ से सीखने और समझने के बाद फॉर्म को अप्लाई करिए। कौन जगह कितना पोस्ट है, क्या है, नहीं है, कब फॉर्म, कितना दिन का डेट बचा हुआ, लास्ट है, कब तक फॉर्म भरेगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, आइए इस वीडियो में हम लोग शुरू से अंत तक देखते हैं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। इसी प्रकार से कोई वैकेंसी आपको आता है तो सबसे पहले आपके तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिहार सिविल पटना ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि ये जब बिहार जो सिविल कोर्ट का फॉर्म, इसका हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ बिहार सिविल कोर्ट पटना ऑनलाइन भर्ती प्रोसेस यहाँ पर जारी किया गया है। तो अगर आप बिहार सिविल को फॉर्म कोर्ट फॉर्म कोर्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं, ये जो पोस्ट की तारीख है ये 13 सितंबर 2040 में क्या हुआ था, ओपन हुआ था। मतलब ये जो पोस्ट है वो 13 तारीख को क्या हुआ था, वैकेंसी आया था। यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है, विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस योग्यता को पूर्व करते हैं, इस आवेदन को 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा, योग्यता, वेतन चयन की प्रक्रिया तथा कुल पदों की संख्या के लिए इसी पोस्ट में दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ें। इसको आगे हम लेकर अगर बढ़ते हैं तो देखिए, कहा गया है कि सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि महत्वपूर्ण तारीख ये दिया हो, आवेदन शुरू हुआ कब से, 20 तारीख से, जो कि हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि कब है, यानी कि 20/10 तक आपका आवेदन कर सकते हैं, 20 के बाद आपको नहीं होगा। फीस जमा करने का अंतिम तिथि है वही 20/10/2022 तक है। परीक्षा की तिथि अभी तक नहीं जारी किया गया, लेकिन यहाँ लिखा गया कमिंग सून, जल्द से जल्द परीक्षा का तारीख दिया जाएगा। एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। यहाँ पर आपको दिया आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो सामान्य जाति पिछड़े अन्य जाति के लिए जो सामान्य शुल्क लगेगा वो 800 रुपया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकलांग के लिए, मतलब SC ST के लिए, ये 400 रुपया रखा गया है। यहाँ पर जो है आप जो पैसा का जो आप भरिएगा वो डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, ई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क को भुगतान आप कर सकते हैं। जैसे कि अगले पॉइंट पर अगर देखें तो कहा गया है कि बिहार सिविल कोर्ट में भर्ती विवरण कुल पद जो है 6692 पद यहाँ पर रखा गया है, जिसमें अन्य अन्य पोस्ट पे यहाँ पर सीट को बंटवारा कर दिया गया है। यहाँ पर पद का नाम क्लर्क के लिए 3325 पोस्ट है, जिसका एज है 21 से 37 साल। डिग्री क्या होना चाहिए, एजुकेशन स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा स्टेनोग्राफर है, जिसमें 1562 सीट है, इसका जो भी एज है 21 से 37 साल तक है। स्नातक के साथ में टाइपिंग का स्पीड भी होना चाहिए। आप इस फॉर्म को तभी भरिए जब आपको टाइपिंग आता है, टाइपिंग का स्पीड वगैरह, तभी इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद अगले पॉइंट में अगर चलते हैं तो करता है कोर्ट रीडर गवाही लेखक, यानी गवाही लेखक का जो है 1132 पोस्ट है, इसका भी जो एज है 21 से 37 साल तक है। ये ग्रेजुएट चाहिए, यानी कि स्नातक, ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन किए हुए चाहिए। चपरासी का है, तो चपरासी का देख लीजिए, चपरासी मतलब ग्रुप डी फॉर्म का ये हो जाता है नौकरी, और ग्रुप डी पार्ट वाला में इसका 1663 पद है। जो बहुत सारा बच्चा ये ग्रेजुएशन के चलते ये सारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन ये चपरासी वाला भर सकते हैं। इसका 18 से 37 एज सीमा, 18 से 37 है और 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर और इसका डिटेल में देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सके हैं। आप यहाँ पर चाहते हैं तो एक ही पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग पद के लिए आवेदन करिए तो आपको शुल्क भी अलग अलग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही शुल्क में आप 3-4 पद का अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप अलग अलग पद के लिए यहाँ पर भरेंगे तो फी आपको अलग अलग मतलब दिया जाएगा। परीक्षा जो होगा वो ऑफलाइन होगा, इस बात को समझिए, परीक्षा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन यहाँ पर नहीं एग्जाम लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए सिलेबस का है वो देखिए, स्टेनो के लिए सिलेबस जो है वहाँ पर लिखा हुआ। हिंदी जो आपको आने वाला है वो 30 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी जो आने वाला है वो भी 30 प्रश्न आएगा, गणित जो आने वाला है वो भी 25 प्रश्न आएगा, साक्षात्कार जो आने वाला है ये 15 प्रश्न आएगा। साक्षात्कार कहने का मतलब लास्ट में ग्रेजुएशन का बात करता है, ग्रेजुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। अगले पॉइंट पर इसको और आगे देखा जाए तो कहता है चपरासी जो ग्रुप डी का बात किया जाए,
उसमें क्या है, ये देखिए मैट्रिक पे है, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें देखिए बहुत जबरदस्त कंडीशन है कि हिंदी जो है वो आपको 35 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी 35 नंबर का, अंग्रेजी जो है आपको 25 नंबर का दिया जाएगा, और गणित देखिए 35 नंबर को दिया जाएगा। इंटरव्यू में साक्षात्कार में आपको 15 नंबर का दिया जाएगा। ये इसका फुल डिटेल्स है, आप इसको फॉर्म अप्लाई करिए, अप्लाई अभी हो रहा है, अभी डेट 10 तारीख तक है। लास्ट में देखा जाए तो कहता है इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में कहानी जो बनने वाला है, इंटरव्यू में कैसे कैसे नंबर मिलेंगे। तो अगर समान अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं कि समान अभी भार्व के लिए 2.5 अंक आपको दिए जाएंगे, योग्यता आपका क्या है उसके लिए 2.5 अंक दिए जाएंगे, कार्य का अनुभव आपके पास क्या है उसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे, कार्य की जानकारी आपके पास क्या है उसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। मतलब टोटल जो है यहाँ पर आपको 15 नंबर इंटरव्यू को देखने के मिलेगा। तो अगर आप इस फॉर्म के बारे में आप नहीं जानते थे, अगर जानते भी हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए, अगर किसी भी तरह से आपको जानकारी तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए, और इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हर चीज़ आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगर इस तरह से और भर्ती आता है तो आपको पहले हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।